उससे रिलेटेड जानकारी आपको हमारे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी उनके द्वारा दिया गया, और साथ ही जो आईडीएफसी जो स्किल डेवलपमेंट के जो अधिकारी थे उन्होंने भी आपको इस स्कीम के बारे में आपको बताया। इसके साथ ही क्योंकि ये जो कार्यक्रम है आप देख रहे हैं कि ये कार्यक्रम भारत सरकार का एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, और हमारा जो विभाग है वो एमएसएमई सेक्टर्स के विकास के लिए काम करती है। इस सेक्टर्स को आगे बढ़ाने के लिए कई तरीके की योजनाएं हैं जिसका भी आप साथ में लाभ उठा सकते हैं पीएम विश्वकर्मा के साथ में। योजनाएं बहुत सारी हैं जो कि क्योंकि जैसा कि आपने एसबीआई का जो प्रेजेंटेशन था उसमें आपने देखा कि एमएसएमई जो है उसकी डेफिनेशन को अगर देखें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस तो 250 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर अगर सालाना बिक्री अगर किसी भी उद्यमी का है या किसी भी एंटरप्राइज का है वो हमारे मंत्रालय के दायरे में वो आता है। ठीक है, वो जो है हमारे मंत्रालय की जितनी भी स्कीम्स हैं ठीक है उसका फायदा उठा सकते हैं। तो हमारा जो एमएसएमई मंत्रालय का दायरा है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, 250 करोड़ रुपया जो है इसमें इस तरह के टर्नओवर वाली बहुत मल्टीनेशनल टाइप की जो बाहर की कंपनी है जो कि इस मंत्रालय के अधीन आते हैं। ठीक, इसमें से कुछ स्पेसिफिक जो स्कीम्स हैं जो कि आपके आपके जिस लेवल पे आप लोग अभी काम कर रहे हैं आपके लिए तो मतलब इम्पोर्टेंट हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है। उसमें से एक है कि भाई किसी भी काम के लिए क्या है मार्केट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मार्केट के विषय में अभी जो है पहले भी आपको चर्चा किया गया कि मार्केटिंग के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग एक इम्पोर्टेंट विषय है, और मार्केटिंग में जैसा कि आप सभी समझते होंगे कि जो भारत सरकार के या कोई बिहार सरकार या स्टेट दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं या पीएसयूज हैं ठीक है वो एक बहुत बड़ा बाजार है। और आज के डेट में जैसे कि आप में से अधिकतर वो आर्टिजन्स हैं अलग अलग सेक्टर्स में काम करने वाले हैं। ठीक, तो इस तरह की जो आर्टिस्टिक जो हैंडीक्राफ्ट आइटम है जो कि हाथ से बनते हैं उसका भी जो है सरकारी विभाग में आज के डेट में अच्छी खासी डिमांड है। ठीक है, जितने भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं वहां पे उसका यूज होता है। तो आपको लेकिन एक चीज है जैसे कि आप अमेजोन फ्लिपकार्ट इस तरह के जो पोर्टल्स हैं जिससे कि मैं समझता हूँ कि आप में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी सामान आपने मंगवाया होगा, लेकिन अगर भारत सरकार के कोई भी डिपार्टमेंट है कोई भी कार्यालय है कोई भी विभाग है तो उसको अगर कोई भी सामान खरीदना होता है तो उसके लिए एक जेम पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बोलते हैं उसको। ठीक है, काम वैसे ही करता है जैसे कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट करता है, लेकिन सरकारी विभाग जो है अमेजॉन फ्लिपकार्ट से कोई सामान नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए एक अलग डेडिकेटेड पोर्टल बनाया हुआ है जिसको जेम बोलते हैं jem.gov.in। ठीक है, तो उस पोर्टल पे भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके आप अपने प्रोडक्ट की उस पर लिस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, और वहां पे जितने जो सरकारी विभाग है ये एक बड़ा मार्केट जो है आपके प्रोडक्ट के लिए अवेलेबल हो जाएगा जैसे ही आप उस पे अपने आपको रजिस्टर कर लेंगे।